नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं उपेंद्र कुमार और लेकर आया हूं आपके लिए खेल जगत की ताजा बड़ी खबरें। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हामिद शिनवारी ने दुनिया के क्रिकेट बोर्डों और आईसीसी से अनुरोध किया है कि हमें अलग थलग न करें और राजनीति को क्रिकेट से दूर रखते हुए हमारा साथ दें, ताकि हम अफगानिस्तान में क्रिकेट का प्रचार प्रसार जारी रख सकें। शिनवारी का ये बयान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट नवंबर में अफगानिस्तान से होने वाले इकलौता टेस्ट कैंसिल किए जाने की चेतावनी के बाद आया है। दरअसल अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद तालिबान की ओर से महिलाओं के खेलने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद आया है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा था कि महिलाओं को खेल से दूर रहना चाहिए, खेल में केवल शारीरिक प्रदर्शन होता है। जिसके बाद सीए की ओर से कहा गया था कि नवंबर में होने वाले एकमात्र टेस्ट नहीं खेला जाएगा। वहीं एसीबी के सीईओ हामिद शिनवारी ने कहा कि हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पूरे क्रिकेट जगत से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमारे लिए दरवाजे ना बंद करें, बल्कि हमारे साथ चलें, हमें अलग थलग ना करें और देश के सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण के लिए हमें दंडित ना करें। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले जाने वाले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया है। मैनचेस्टर टेस्ट के रद्द होने के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सीईओ टॉम हैरिसन का एक बड़ा बयान सामने आया है। हैरिसन का कहना है कि मैच कोरोना वायरस के डर के कारण नहीं, बल्कि इससे क्या हो सकता है कि धारणा के कारण रद्द करना पड़ा है। टॉम हैरिसन का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों को सहज महसूस कराने के लिए हर कोशिश की गई, लेकिन असिस्टेंट फिजियो एगोस परमार के कोविड पॉजिटिव होने से घबराए खिलाड़ियों ने मैदान पर उतरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वास्तव में दुखद दिन है, मुझे प्रशंसकों के लिए निराशा है। टॉम हैरिसन ने कहा कि ईसीबी ने कोरोना वायरस को समझने वाले एक्सपर्ट्स से भी भारतीय टीम का सेशन करवाया, लेकिन टीम के कुछ खिलाड़ी पहले से ही मैनचेस्टर टेस्ट न खेलने का मन बना चुके थे। ऐसे में ये साफ हो गया कि भारतीय टीम में मानसिक तनाव का स्तर काफी ज्यादा है। उधर यूएस ओपन के मेन्स डबल्स के फाइनल का खिताब भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी राजीव राम ने अपने ब्रिटिश जोड़ीदार सैलिसबरी के साथ मिलकर जीत लिया है। वर्ल्ड नंबर 4 राजीव राम और सैलिसबरी की जोड़ी ने खेले गए फाइनल में ब्रिटेन के जेमी मरे और ब्राजील के ब्रूनो सोरेसे की जोड़ी को 3-6, 6-2, 6-2 से हरा दिया। उनका यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन पर कब्जा जमाया था। इसके साथ ही वह इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के उप विजेता भी थे। वहीं पुरुषों के सिंगल्स में रूसी खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव और वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। नोवाक जोकोविच के पास 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने का मौका है। उन्होंने यूएस ओपन के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शनिवार को यूएस ओपन के खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में उन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेविक को 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2 से हरा दिया। वहीं 23 ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना विलियम्स और वर्ल्ड नंबर 1 एशले बार्टी की गैर मौजूदगी में यूएस ओपन के वीमेन्स सिंगल्स में कनाडा की 19 साल की लेला फर्नांडिस और 18 साल की ब्रिटेन की एमा रादुकानु फाइनल में पहुंची हैं। रादुकानु और फर्नांडिस 1965 के बाद किसी भी ग्रैंड स्लैम के मेन्स और वीमेन्स कैटेगरी के फाइनल में पहुंचने वाली गैर मान्यता प्राप्त खिलाड़ी बन गई हैं। ब्रिटेन की 150वीं वर्ल्ड रैंकिंग की रादुकानु ने गुरुवार को यूएस ओपन के खेले गए सेमीफाइनल में यूनान की 17वीं वरीयता प्राप्त मारिया सकारी को 6-1, 6-4 से पराजित किया, जबकि कनाडा की वर्ल्ड रैंकिंग 73 फर्नांडिस ने दूसरी वरीयता प्राप्त आर्याना सवालेंका को एक रोचक मुकाबले में 7-6, 4-6, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। बता दें यूएस ओपन में 1999 के बाद यह पहला अवसर है जब विमेंस फाइनल खेलने वाली दोनों खिलाड़ी टीनेजर्स हैं। ब्रिटिश खिलाड़ी 18 साल की हैं, जबकि कनाडाई खिलाड़ी 19 साल की हैं। इनसे पहले 1999 में यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची सेरेना विलियम्स 17 साल की थी, जबकि मार्टिना हिंगिस 18 साल की थी। उधर आईपीएल 14 के फेज 2 के बचे हुए 31 मुकाबले यूएई में खेले जाने हैं। ऐसे में मैनचेस्टर टेस्ट के रद्द होने के बाद कई खिलाड़ी तय समय सीमा से पहले ही यूएई पहुंच सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग इंग्लैंड में मौजूद अपने सभी खिलाड़ियों को 11 सितंबर को ही दुबई लाने की योजना बना रही है। चेन्नई सुपर किंग के सीईओ काशी विश्वनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और चेतेश्वर पुजारा शनिवार को दुबई के लिए उड़ान भर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जब मैनचेस्टर में होने वाले सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है तो हम सीएसके के खिलाड़ियों को कल तक दुबई ले जाना चाहते हैं। काशी विश्वनाथ ने कहा कि चार्टर्ड फ्लाइट फिलहाल संभव नहीं है, ऐसे में हम सभी खिलाड़ियों के कल को कमर्शियल फ्लाइट के टिकट बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वे पहुंचेंगे तो उन्हें बाकी खिलाड़ियों की ही तरह 6 दिनों के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज में खेल रहे 5 खिलाड़ी फेज 2 में सीएसके के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इन खिलाड़ियों में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, सैम करन, मोइन अली, बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के नाम शामिल हैं। वहीं चेन्नई के साथ साथ अन्य आईपीएल फ्रेंचाइजी भी अपने इंग्लैंड में मौजूद अपने खिलाड़ियों को जल्द से जल्द यूएई लाने की योजना बना रही हैं। बता दें, आईपीएल 14 के फेज 2 का पहला मुकाबला 19 सितंबर को चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया एंटरटेनमेंट और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।